आज अगर 2000 की आबादी के गांव में दो चार आदमी बाहर से आकर उस गांव की शांति में खलल डालने की कोशिश करते हैं, जम्मू कश्मीर के विकास, नागरिकों की तरक्की में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, तो उन 2000 भारतवासियों का पुरुषार्थ, उनका लहू ज्वाला बनकर जलना चाहिए। हर एक चेतना से यही हंकार निकलनी चाहिए कि अब बहुत हो गया, इतनी बड़ी आबादी वाले जम्मू कश्मीर को 20-25 आतंकवादी नहीं डरा सकते। और मैं निवेदन करूंगा, गुरु गोविंद सिंह जी चारों साहिबजादों के चिन्हों पर चलते हुए ऐसे चंद आतंकियों और असामाजिक तत्वों, शांति के दुश्मनों के खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होकर खड़ा होने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ और आत्मविश्वास से भरे समाज की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर अत्याचार होते हुए देखकर हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, जो समाज ऐसा करता है बैठ जाता है, वह समाज शक्तिहीन हो जाता है, इतिहास के पन्नों से उस समाज का नाम मिट जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र का एक ही संकल्प है, जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर में अमन चैन। समाज में ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो इस लक्ष्य में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी सूचना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को देने की आवश्यकता है, ताकि केवल आतंकवाद नहीं, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। जिस दिन हर गांव से आतंकवाद के खिलाफ सभी हाथ एक साथ उठ खड़े होंगे, वह क्षण इन चंद आतंकियों का आखिरी पल होगा। इस देश को समूचे सिख समुदाय और सिख परंपरा ने एक आदर्श दिया कि अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए जियो। ये आदर्श व्यवहार मिला था आतंकी और उनके सपोर्ट सिस्टम का विनाश करके ही। मैं समझता हूं कि हम चारों साहिबजादों की सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे।